सभी विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें सभी डाइट्री फाइबर भी मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और एंटी जो है स्किन को बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है। तो हम इस तरीके से उबाल लेंगे सौंफ को, और तब तक उबालेंगे जब तक इसका आधा पानी नहीं रह जाता। उसके बाद हम छान करके ठंडा करने के लिए रख लेंगे, और ये जब तक पानी आधा रह जाएगा तब तक इसको हमें उबालना है ताकि सौंफ के अंदर के जितने भी तत्व हैं वो सारे इसमें आ जाएं। तो इसको हम आधा होने तक उबाल लेंगे और छान लेंगे इसको, और ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम लेते हैं एक आलू और इसको छील करके कद्दूकस कर लेंगे। इसका हमें जूस चाहिए इसको बनाने के लिए, तो इसको तब तक जब तक ये उबल रहा है तब तक हम इसका कद्दूकस करके इसका जूस बना लेते हैं। और ये हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसको हम छान करके इसका जूस निकालेंगे। इसको करने के लिए हमारा जो पहला रेमेडी तैयार करनी है वो है क्लीजिंग प्लस स्क्रबिंग। तो उसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। तो ये चावल का आटा है, तो इसको हम एक चम्मच लगभग चावल का आटा लेंगे, और ये चोकर है जिसको हमने आटे से छान करके चोकर निकाल लिया है गेहूँ के आटे से। तो हमको आधा चम्मच चोकर लेना है, और अब हमको इसका पेस्ट बनाना है। हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल को इतना ऐड करना है जितना ये पेस्ट बनके तैयार हो जाए। अगर गुलाब जल नहीं है तो हम पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। चावल के आटे में जो तत्व होते हैं स्टार्च बहुत ही बेहतरीन होता है हम लोगों की स्किन के लिए गाइस। उसके अलावा जो है इसमें तत्व होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेते हैं जिससे स्किन ऑयली नहीं रहती और कील मुहासों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही चावल का आटा झुर्रियों और डार्क सर्कल को भी दूर रखने में मदद करता है, स्किन को ग्लोइंग रखता है। यह स्किन के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है और मृत त्वचा को निकालने में भी सहायक होता है। और इसमें जो हमने मिलाया है गेहूँ के आटे की भूसी या चोकर, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन, फाइबर के अलावा इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। ग्लोइंग खूबसूरत स्किन पाने के लिए हमने इसको इसमें इस्तेमाल किया है, और ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी है। तो अब इसको हम अपने फेस पर लगाएंगे। हमने जो चावल के आटे, चोकर और गुलाब जल का पेस्ट तैयार किया है इसको हम अपने फेस पर ऐसे लगाएंगे, पूरे फेस पर सही से इसको लगा लेंगे। हमने ये पूरे फेस पर लगा लिया है, और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तब तक ये ड्राई हो जाएगा, लेकिन हमें ड्राई नहीं उतारना है, ठंडे पानी के छींटे फेस पर मारने हैं। उसके बाद में इसको हम रब करते हुए निकालेंगे। तो वेट करते हैं 10 मिनट तक इसको फेस पर लगाकर। 10 मिनट हो गया है गाइस, और हम हाथों को गीला करके अब फेस पर मसाज देंगे ताकि हमारी स्क्रबिंग और क्लीजिंग दोनों ही हो जाए। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और आपको वीडियो यहीं से नहीं बंद करना है, अभी ये प्रोसेस तो पहला है, अभी इसके दो प्रोसेस बाकी हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल स्किन चाहिए दाग रहेगी तो फिर इस तरीके से हमें मसाज कर लेना है। और जिस एरिया में हमारे नीले मुहासे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो सकते हैं तो वहाँ पर हमको ज़रूर करना है। हमने जो 3 चम्मच सौंफ लेकर के 1 गिलास पानी में बॉईल किया था वो हाफ रह गया था, तो इसको हमने इस तरीके से इसमें बॉटल में भर के रखा हुआ है। तो जो हमारे फेस पर स्क्रबिंग और मसाज करने से जो ऊपर पोर्स
कर लेना है अपने फेस को। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे अच्छी तरीके से हमारे चेहरे पर सोख जाए और इसके बेहतर परिणाम मिले। तो इसके लिए वेट करते हैं, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं लास्ट और थर्ड स्टेप की तरफ, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मास्क बनाने के लिए जो हमने मेन जो इसके लिए लेना है वो है केला। केले को मैंने 1/3 लिया है, ये 2 पीस लिए हैं, और इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ में मैश हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 शहद। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी स्किन में जो नमी ख़त्म हो रही होती है, जिसकी वजह से स्किन लूज पड़ने लग जाती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो हमने किया था आलू को हमने क्रश किया था, उसका मैंने ये जो जूस निकाला है इसको अब मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है, उसके बाद क्या मिलाना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब हमने ये जो केले शहद और आलू के जूस का जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ये इस तरीके से तैयार हुआ है, तो काफ़ी गीला है, इस पर टिकने वाला नहीं है। तो इसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलाते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन, जिससे ये हमारा पेस्ट ठीक हो जाएगा और हम इसको बहुत अच्छे से फेस पर लगा पाएंगे। आप इसकी जगह इसमें ऐड कर सकते हैं मैदा, मुल्तानी मिट्टी, जो भी आपके पास आसानी से मौजूद हो। तो ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार है, हम इसको फेस पर लगाएंगे। गाइस, हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था केले का, आलू के रस का, और इसमें मैंने बेसन ऐड किया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा शहद ऐड किया है। तो ये केला थोड़ा सा लिपलमा होता है, तो हम इसको थोड़ी देर मसाज देंगे अपने फेस पर। 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज देंगे। और आंखों के किनारे तक मसाज देना है। और मसाज देने के बाद में हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे पैक की तरीके से। और जब ये सूख जाएगा तो हम इसको ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेंगे, जिससे हमें मिलेगी ये बेदाग खिलखिलाती हुई स्किन। तो ये हमारा साप्ताहिक रूटीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंटी एजिंग की हो या किसी भी तरीके के आपके एक्ने वगैरह, तो मुझे तो नहाना ही है, नहाना भी पड़ेगा। तो मैं इसको गले पर भी अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि हमारी स्किन का कलर एक ही रहे। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमने जो पहले एक स्क्रबिंग वगैरह किया है, तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है। और मैं इसको जो बच गया है मेरा, इसको मैं हाथों पर भी, दोनों हाथों पर भी लगाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी स्किन के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।